दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मुझे बहुत लोग मिलने आते हैं और मुझे ये कहते हैं कि मैम, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर मुझे सबने कहा कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो सकता, और इसीलिए शायद आज मैं डिप्रेस हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि हम दो आवाज़ों के बीच में फंसे हुए हैं। एक है दुनिया की आवाज़ और दूसरी है दिल की आवाज़। और सुनना ही है तो सही में दिल की आवाज़ सुनना शुरू करो, क्योंकि दिल होता ज़रा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में अगर एक 2000 रुपये का नोट हो और एक हाथ में 2 रुपये का सिक्का हो और अगर दोनों मेरे हाथ से गिर जाए, मुझे बताइए आवाज़ कौन करेगा, नोट या सिक्का? ऑफकोर्स सिक्का। चिल्लर ही आवाज़ किया करते हैं। जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाज़ें नहीं होती। दैट मीन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, कोसते हैं, समझ लीजिएगा वो चिल्लर है, तुम्हें अपना वैल्यू बढ़ाना है। क्रिकेट का खेल चल रहा हो, प्लेयर्स खेल रहे हैं और ऑडियंस चीयर अप कर रही है, चिल्ला रही है, शायद कई बार ताने भी मारती है, सुनाती भी है, आवाज़ तो करती ही रहती है। कोई भी खेल में आवाज़ कौन करता है, प्लेयर्स आवाज़ करते हैं कि ऑडियंस आवाज़ करती है? ऑफकोर्स ऑडियंस आवाज़ करती है। दैट मीन्स अगर आपके ज़िंदगी में बहुत लोग आवाज़ करने लगे तो समझ लीजिएगा आप सच्चे खिलाड़ी हो और वो अभी भी ऑडियंस ही है। एंड जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि दिल की आवाज़ ज़रूर सुनो एंड ऑफकोर्स एक एटीट्यूड अपनाओ जिसे हम कहते हैं नेवर गिव अप। ज़िंदगी में हार मानो ही नहीं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया और अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी से इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि जो बंदा गरीबी में जन्म लेता है, इतनी तकलीफें भुगतता है, इतनी हद तक वो डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ समय तो उनके जीवन का ऐसा बीता कि अगर कहीं चाकू छुरियाँ हैं तो वो वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कभी मैं वो चाकू उठा के अपने आप को मार ना दूँ। इस टाइप के डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद बिजनेस में फेलियर के बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए, वहाँ पर भी क्या हुआ, कंटिन्यूअसली फेलियर्स, बट फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, प्रयत्न करता गया करता गया, और एक दिन आता है जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, और ऐसे प्रेसिडेंट जो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग प्रेसिडेंट एवर इन USA। ही नेवर गिव अप। तो आप क्यों गिव अप करते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन, मुझे लगता है सैल्यूट है इस बंदे को, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो भावना थी कभी हार ना मानने की, प्रयत्न करने की, आप जानते, बिजली के बल्ब बनाने का उनका पैशन कि मैं करना चाहता हूँ, और 999 बार वो फेल हुए। दोस्तों, आप सोचो कि अगर आपको एक बार, दो बार, पांच बार फेल हो जाते, हम छोड़ देते वो चीज़ को। वो बंदा 999 बार हार ही नहीं मानता, और तब जब वो बिजली का बल्ब ढूंढता है, तब एक इंटरव्यूअर उनके पास आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं कि थॉमस, आपको कभी शर्म नहीं आई कि आप 999 बार फेल हुए? थॉमस हंस के कहते हैं कि नहीं, कौन कहता है कि मैं 999 बार फेल हुआ हूं? अरे, मैंने तो 999 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले हैं जिस रास्ते पे तू लाख प्रयत्न करेगा पर बिजली का बल्ब नहीं बना पाएगा। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी ज़िंदगी में से भी बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। वो पायलट बनना चाहते थे और वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, और जब रिजल्ट आता है, 9 लोग थे, 8 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और वो अकेले बंदे थे जो रिजेक्ट हो जाते हैं। इतना दुख होता है और उदास होकर वो एक कोने में चले जाते हैं और बैठे हैं, और वहीं से एक इंसान गुजरते हैं और वो उनको चेहरे से ही देख के कहते हैं कि बेटा, तू क्यों इतना उदास है? ये कहते हैं कि मैं क्या करूँ, आज मेरा इंटरव्यू था, 8 लोग सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला रिजेक्ट हो गया, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो वो संत बड़े प्यार से कहते कि बेटा, शायद तू अभी समझ नहीं पा रहा है, पर शायद हो सकता है ऊपर वाला तुझे उससे भी बेहतरीन कुछ देना चाहता है। यू नेवर गिव अप। ये सलाह उनके मन में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि मुझे हार नहीं मानी, उन्हें प्रयत्न करना शुरू कर दिया, और बाकी जो हुआ वो तो इतिहास आप जानते ही हैं। बट एक घटना घटी जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सुपरसोनिक प्लेन में ट्रैवल किया, और जब वो लैंड करते हैं वहाँ पे ढेर सारे पायलट थे जो उनको सैल्यूट कर रहे थे, उनको सलामी दे रहे थे, उनके पद को जो रिस्पेक्ट देते हैं, और सारे पायलट जब उनको सैल्यूट करते हैं तब उन्हें याद आता है कि अगर उस दिन मैं पायलट बन गया होता तो शायद आज का दिन मुझे नहीं मिलता।
दैट मीन्स उनके अंदर एटीट्यूड था नेवर गिव अप, और उसी एटीट्यूड ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और सोचिए दोस्तों, अगर यही एटीट्यूड आप भी अपनाएं तो हम लोग कई बार चीज़ गलत ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, इस डर से भी बहुत कुछ नहीं करते। बट याद रखिए, गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं। तो कुछ करने की हिम्मत रखिए। मेरे पास जब लोग सीखने को आते हैं, हम अपने सेमिनार लेते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, और यही एटीट्यूड जब हम लोगों के अंदर जगाते हैं, हमने देखा है इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जिंदगी के वो माइनस फेज में चल रहे थे, और जब वो एटीट्यूड जिंदा हो जाता है, और आज वो टॉप के शिखरों पर बैठे हुए हैं। टुडे इज हार्ड, टुमारो कैन बी वर्स्ट, बट नेवर गिव अप, बिकॉज द डे आफ्टर टुमारो विल बी द सनशाइन।